दोस्तों, इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला ने 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिटनेस एंथुजियास्ट होने के बावजूद जब उनके हार्ट अटैक की खबर आई तो टीवी इंडस्ट्री के कई लोगों को ये बात थोड़ी अजीब भी लगी और इसी वजह से इस मुद्दे पर जाँच बिठाई गई है। कुछ सोर्सेज के अनुसार डॉक्टर्स का कहना है कि एक रात पहले सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाइयाँ ली थी, जिन्हें लेने के बाद वो सोने चले गए और नींद में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद जल्दी ही उन्हें मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर ने सभी को दुख में नम कर दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए उनकी जिंदगी की पूरी कहानी को जानेंगे कि किस तरह से एक आम लड़के ने हमारे देश में इतना नाम कमाया और करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करा और किस तरह इतनी कम उम्र में ट्रेजिकली वो हम सभी को छोड़कर चले गए। टीवी की दुनिया में नाम कमाना इतना आसान नहीं है, पर हाँ, अगर कोई मेहनत और लगन से यहाँ काम करे तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। सिद्धार्थ ने अपनी माँ और बहन के कहने से अपना ये टेलीविजन सफर शुरू किया था और आज उन्हें उनकी मेहनत और टैलेंट के बल पर देश में हर कोई जान रहा है। सिद्धार्थ का जन्म 12 दिसंबर 1980 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम अशोक शुक्ला है, जो की एक सिविल इंजीनियर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। उनकी माँ का नाम रीता शुक्ला है और वो एक होममेकर हैं। सिद्धार्थ की इनके अलावा दो बड़ी बहनें भी हैं। सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उनका शुरुआत से ही स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा लगाव था। हालांकि शुरुआत में इनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, ये काफी दुबले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी बॉडी पर काम करा और काफी हेल्दी और फिट हो गए। सिद्धार्थ ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग में उनका कभी करियर बनेगा, लेकिन जब पहली बार उनकी माँ और बहन के कहने पर उन्होंने एक फैशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो वह उस कॉन्टेस्ट को जीते तो नहीं, लेकिन उस दिन उनमें कॉन्फिडेंस आया कुछ नया सीखने का। इसके बाद उन्हें पैंटालून्स के एड कैंपेन को करने का मौका मिला। इस एड शूट के साथ ही उनका मॉडलिंग करियर शुरू हो गया। मॉडलिंग में करियर शुरू करा तो कई और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। 2005 में वह नेशनल मैन एंड कॉन्टेस्ट के फर्स्ट रनर अप बने। इसके बाद उन्होंने कई और एड शूट्स भी किए और कुछ ना कुछ काम मिलने की मानो शुरुआत सी हो गई थी। लेकिन अचानक से उनके पिता की लंग डिसऑर्डर की वजह से मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका अपने करियर से फोकस हट गया और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर वालों के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया। कुछ महीने बीते और उन्होंने इस ट्रॉमा से रिकवर करा। इसके बाद वह वापस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंच गए। सिद्धार्थ उसी दौरान वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में एशिया के बेस्ट मॉडल भी बने थे। इसके बाद सिद्धार्थ को अपना पहला टीवी शो मिला। उन्होंने टीवी शो बाबुल का अंगना छूटे ना से शुरुआत करी, जिसमें सिद्धार्थ को ज्यादा सफलता और फेम तो नहीं मिला, पर हाँ, इसके बाद उन्हें कई और टीवी शोज में काम मिलना शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने जाने पहचाने से अजनबी टीवी शो में भी लीड रोल प्ले किया था। सिद्धार्थ को असली पहचान 2013 में मिली, जब उन्हें बालिका वधू शो में लीड रोल प्ले करने के लिए सिलेक्ट करा गया। ये शो आते ही सुपरहिट साबित हुआ। इस शो ने हमारे देश के टीवी शोज और उनके कंटेंट को काफी हद तक रेवोल्यूशनाइज करा था। इसके बाद उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 6 में भी हिस्सा लिया। 2014 में पहली बार सिद्धार्थ को फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। इनकी फिल्म का नाम था हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिसमें सिद्धार्थ को आलिया और वरुण धवन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग और प्रेजेंस की लोगों ने काफी तारीफें भी करी। इन्हें इस फिल्म के लिए 2015 में स्टारडस्ट अवार्ड ने बेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस मेल का अवार्ड भी दिया। फिर सिद्धार्थ को इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 7 को भी होस्ट करने का मौका मिला। उनकी सफलता वहीं नहीं रुकी थी। कलर्स के इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करने के बाद उन्होंने 2016 में खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में हिस्सा लिया और उसके विनर भी बने। सिद्धार्थ को फिर एक और टीवी शो में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था दिल से दिल तक, और इसमें रश्मि देसाई इनके साथ लीड रोल में दिखी थी। इस टीवी शो से भी उन्होंने काफी नाम और पैसा कमाया। लेकिन कंट्रोवर्सी तो हर सेलिब्रिटी की लाइफ का एक अहम हिस्सा होती है, और सिद्धार्थ की जिंदगी से भी कंट्रोवर्सीज ज्यादा समय तक दूर ना रह सकी। 2014 में सिद्धार्थ को ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए अरेस्ट कर लिया गया, जिसके लिए इनका लाइसेंस जब्त कर लिया गया और इन्हें भारी फाइन भी भरना पड़ा। ये भी कहा जाता है कि इनकी रैश ड्राइविंग से एक आदमी चोटिल हो गया था। इसके बाद उनके टीवी शो दिल से दिल तक के लिए भी वे कई कारणों की वजह से विवादों में घिरे रहे। सिद्धार्थ को गोल्डन पेटल अवार्ड्स में मोस्ट लोकप्रिय फेस मेल से भी नवाजा गया। इन्हें गोल्डन पेटल अवार्ड्स फॉर बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल ऑन कलर्स के लिए भी अवार्ड दिया गया।
जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 में एंट्री ली और इस शो को जीतने की जर्नी के दौरान ही वो हमारे देश भर में एक हाउसहोल्ड नेम बनकर उभरे। वो सभी हफ्तों में मोस्ट फेवरेट बने रहे और तभी से उन्होंने हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और शोज भी करे जो भी इनकी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आए और अब 2021 में इनके फैंस इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे थे, जिनमें एक बड़ी फिल्म और OTT शो शामिल थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इस बीच अपने फैंस को अलविदा कह चलेंगे और ऐसे में ही उनके गुजर जाने की खबर ने उनके सभी फैंस को शोक की स्थिति में पहुंचा दिया है। ऐसे मुश्किल समय में हमारी भगवान से यही दुआ है कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को इस मुश्किल दौर से निकलने की शक्ति दे।